तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इस बारे में कि आर्थ्रोस्कोपी, लेजर सर्जरी, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, की होल सर्जरी और ऐसे बहुत सारे शब्दों के बीच में क्या फ़र्क है और क्या पेशेंट्स को पता होना चाहिए कि इन टेक्निक्स के अंदर बेसिक डिफरेंसेस क्या हैं। तो दोस्तों एक लाइन में कंक्लूसिव एविडेंस और अपना विचार जो मैं प्रकट करना चाहूँ तो कह सकता हूँ कि ये सभी नाम 4, 5, 6, 7 जो भी मैंने लिए हैं आपके सामने, ये सभी चीज़ें करीब करीब एक ही चीज़ को डिनोट करती हैं। तो दोस्तों आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी, की होल सर्जरी, मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी, दूरबीन से किया जाने वाला सर्जरी, लेजर सर्जरी, ये सभी चीज़ें बेसिकली छोटे चीरे से करी जाने वाली सर्जरीज के नाम को बोलते हैं। तो दोस्तों ये टेक्निक्स आज की तारीख के अंदर गैस्ट्रो सर्जरी के अंदर, ऑन्को सर्जरी के अंदर, ऑर्थोपेडिक सर्जरी के अंदर, इसी के साथ साथ न्यूरो सर्जरी के अंदर, बहुत सारी जहाँ जहाँ भी सर्जिकल मोडालिटीज़ इस्तेमाल हो रही हैं वहाँ चीरा छोटा होता जा रहा है और उनके थ्रू हम लोग कैमरा डाल करके, इंस्ट्रूमेंट्स डाल करके ये सर्जरीज करते हैं। तो दोस्तों इसी का रोल ऑर्थोपेडिक सर्जरी में जब हम आते हैं तो आर्थ्रोस्कोपी यानी जोड़ के अंदर ये कैमरा डाल करके जो सर्जरीज की जाती हैं उन्हें आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज कहा जाता है। इसी के विपरीत बहुत सारे लोग कहते हैं सर एंडोस्कोपिक सर्जरी करवानी है हमें घुटने की, तो एंडोस्कोपी जो बेसिकली शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो जनरल सर्जरी या जो भी पेट से, आंतों से, सांस के रास्ते से, इन सब चीज़ों से जो रिलेटेड सर्जरीज रहती हैं वो बेसिकली एंडोस्कोपिक सर्जरीज कहलाती हैं। इन जोड़ों के दूरबीन से किए जाने वाले ऑपरेशंस को हम लोग आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज कहते हैं। दोस्तों आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरीज के मेन 5-6 बेनिफिट्स हैं जो कन्वेंशनल सर्जरीज से थोड़े से बेटर रहते हैं। जहाँ पर स्कार कम आता है यानी कि एक जो चीरे का निशान है वो बॉडी के ऊपर कम आता है। दूसरी चीज़ दोस्तों स्कार छोटा रहता है तो रिहैबिलिटेशन स्टिफनेस कम रहती है, रिहैबिलिटेशन का टाइम बेसिकली कम रहता है। तीसरी ज़रूरी चीज़ दोस्तों क्योंकि छेद छोटे रहते हैं तो एनवायरमेंटल एक्सपोजर, बाहर से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो एक्सपोजर है हमारा वो बहुत कम रहता है और इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े से मिनिमाइज हो जाते हैं। चौथी चीज़ ज़रूरी है दोस्तों वो ये है कि इसके अंदर हम पानी का इस्तेमाल करते हैं तो कॉन्टीन्यूअस इरीगेटिंग सिस्टम यूज़ होता है इसके अंदर, जहाँ पे जो इरीगेशन फ्लूइड होता है उसके अंदर हम एक एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं जनरली, और वो जो इरीगेशन फ्लूइड है बेसिकली वो जोड़ को इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने में हमारी और मदद करता है। पांचवी जरूरी चीज़ दोस्तों हम बात करेंगे तो फंक्शनल आउटकम के ऊपर यानी कि रिटर्न टू स्पोर्ट्स या रिटर्न टू एक्टिविटी के टाइम पर मेजरली फर्क पड़ता है की होल सर्जरीज का। तो दोस्तों इसी के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ पर भी की होल सर्जरीज के ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं वहाँ पर हम लोग ऑलवेज वी प्रेफर कि हम की होल सर्जरीज करवाएं। जहाँ पर भी हमें ऐसा लगता है कि की होल सर्जरी पॉसिबल नहीं है वहाँ पर हम इन्हीं चीज़ों को ओपन सर्जरीज के अंदर कन्वर्ट करके और आगे करते हैं। दोस्तों बताना चाहूँगा कि बहुत सारी सर्जरीज दूरबीन के अलावा ओपन भी की जाती हैं। ACL सर्जरी को, PCL सर्जरी को बहुत सारे लोग दूरबीन से करते हैं, कुछ लोग खोल करके भी करते हैं। आज की तारीख में बहुत सारे लोग इन चीज़ों में रिजल्ट्स, फंक्शनल आउटकम दे पा रहे हैं ओपन सर्जरीज के अंदर भी, बट रिलेटिवली क्योंकि एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी एक एडवांसमेंट है तो सभी लोग आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी प्रेफर करते हैं। इसी के साथ साथ बताना चाहूँगा दोस्तों कि MCL सर्जरी जहाँ पर MCL को ऑगमेंट किया जाता है, खोला जाता है, देखा जाता है, नया लिगमेंट बनाया जाता है, इसी के साथ साथ LCL, PLC की जो सर्जरीज रहती हैं, MPFL की जो सर्जरीज रहती हैं, जो और लिगामेंटस सर्जरीज हैं घुटने के अंदर, वो बहुत सारी ऐसी सर्जरीज रहती हैं जहाँ पर ये सर्जरीज ओपन होती हैं। तो हमारे पास जब पेशेंट आता है जिसको मल्टी लिगामेंटस इंजरीज हैं, मल्टी लिगामेंट से मैं कहना चाहूँगा एक से ज़्यादा लिगामेंट में जब इंजरीज रहती हैं तो उसके अंदर ACL या PCL जैसे लिगामेंट्स को हम लोग क्लोज तरीके से बनाते हैं, और इसी के साथ साथ अगर इसके साथ और इंजरीज रहती हैं लिगामेंट्स को जैसे MCL, PLC कॉम्प्लेक्स या और कोई गद्दी के लिए इंजरी रहती है तो उसको कई बार हमें ओपन सर्जरी में भी कन्वर्ट करना पड़ता है, और ये बेसिकली इनिशियल टाइम से ओपन सर्जरीज ही रही हैं। तो पेशेंट हमसे बाद में पूछता है कि सर ये जो बाहर की सर्जरी हमने की है, PLC या LCL की सर्जरी की है, इसे दूरबीन से नहीं किया जा सकता था क्या? तो हम उनसे ये कहते हैं ऑपरेशन से पहले भी, ऑपरेशन के बाद भी, कि जिन चीज़ों से, जिन मेथड से हम लोग रिजल्ट्स को, बायोलॉजी को रेप्लिकेट कर सकते हैं सबसे अच्छे तरीके से, वो सर्जिकल टेक्निक्स सबसे बेस्ट हैं। इसी के साथ साथ जो टाइम लैप्स हो रहा है पीछे से, जो हम अभी तक हिस्ट्री के अंदर समय देखते आ रहे हैं, उन केसेस के अंदर हम लोग एक अच्छी फंक्शनल रिहैबिलिटेशन कर पाते हैं और पेशेंट रिटर्न टू स्पोर्ट्स, रिटर्न टू रेगुलर एक्टिविटीज जा पाते हैं। अगर आने वाले समय के अंदर जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है तो ये दूरबीन की सर्जरीज अगर पॉपुलर होती हैं तो इन सभी की टेक्निक्स के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई फ़र्क आते रहते हैं, जो हम सभी लोग, सभी सर्जन्स कॉन्टिन्यूस मेडिकल एजुकेशन से लर्निंग कर्व हमारा रहता है और वो सीख पाते हैं।